नमस्कार दर्शकों, वंदन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित अफजलगढ़ की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब से मिली जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ ब्लॉक के रेहड़ बादीगढ़ चौराहे पर बस की प्रतीक्षा में बस स्टैंड पर खड़ी 3 सवारियों को अनियंत्रित कार ने कुचल दिया, जिसमें एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि बादीगढ़ चौराहे पर स्थित पुलिस चौकी के सामने कृष्णा देवी अपने परिजनों के साथ एक मौत में शामिल होने अपनी रिश्तेदारी में कुछ सवारियों के साथ बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान गांव सुवाला की ओर से तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में जा घुसी। इस हादसे में वहां खड़ी सवारी कृष्णा देवी, मुबारक हुसैन व सत्यम कुमार घायल हो गए। घायल को स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से CSC अफजलगढ़ में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने कृष्णा देवी को मृत घोषित कर दिया और घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतका के पति ने जानकारी देते हुए बताया, मेरा नाम जो है कृष्णा देवी, मेरा नाम महोदय सिंह, क्या मामला है? पुलिस ओके दोनों खड़े थे हम साइड में, भाई इधर से जब के गाड़ी क्रॉस हो रही थी हरा वाले इधर से फेरी घूम जाओ, पर वो इधर से जब गाड़ी जा रही थी बस उससे कम ना हो वो ठोक गई, जब वो गाड़ी उसमें ठोकी गई थी वो जो घूम गई उसके साथ। क्या उसके बम्पर में लग के चले गई जी, तो काफ़ी दूर होती गई, मृत्यु हो गई। हाँ और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।